हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज हम यहां पर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। प्रोग्राम लिखेंगे किस बात के लिए, यहां पर हम सीखेंगे प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो यहां पर प्रोग्राम किस बात के लिए लिखा जा रहा है, ये प्रोग्राम नंबर होगा हमारा 6 के बाद, ये 7 प्रोग्राम नंबर होगा, प्रोग्राम नंबर होगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्राम किस बात के लिए लिखना है, टू फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर, मीन्स 2's कॉम्प्लीमेंट जो गिवन नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए प्रोग्राम लिखना है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, क्लियर है। अब टू राइट एन ALP टू फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर गिवन है, स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। वो कह रहा है यहाँ पर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर दो, मतलब इस मीन्स है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर उन्होंने कह दिया है, इसका मतलब जो है आपका, इसका मतलब है कि जो है गिवन नंबर है वो मेमोरी में स्टोर है, क्योंकि उसने कहा है स्टोर द रिजल्ट एट नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब गिवन नंबर है उससे जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन हो वहाँ पर स्टोर करना है रिजल्ट। तो यहाँ पर ना मेमोरी लोकेशन बताई ना नंबर बताया गया, क्लियर है। इट मीन्स हमें एक जनरल प्रोग्राम लिखना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम मेमोरी लोकेशन अपनी मान लेते हैं कि इस मेमोरी लोकेशन पर प्रोग्राम है। तो हमने मान लिया है 2000 मेमोरी लोकेशन पर कोई गिवन नंबर है, 2000 मेमोरी लोकेशन, कितना गिवन नंबर है हम मान लेते हैं 55H है, हेक्साडेसिमल में होगा ये। और जो इसका निकालेंगे इससे बाहर, और इसका क्या निकालेंगे हम 2's कॉम्प्लीमेंट, और जो 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम इस मेमोरी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देंगे, क्लियर है। इतनी बात के लिए प्रोग्राम लिखना, बहुत ही छोटा प्रोग्राम है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे, कोई नंबर लेंगे, हमने मान लिया कोई 55H नंबर है, और इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है और नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर देना, बहुत ही छोटा प्रोग्राम है। तो हमें पहली बात तो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। यदि इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो उसमें एक ऐड कर दें तो 2's कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, तो बहुत ही आसान है, सभी को आता है तो आपको भी आता होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए 55H है और इसका हमें निकालना है कितना 2's कॉम्प्लीमेंट। तो पहली बात कॉम्प्लीमेंट तो तभी ले पाएंगे हम जब हमें इस नंबर का क्या पता हो, बाइनरी पता हो। जब बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0101 5 हो गया, फिर से 0101 5 अगेन हो गया। इसका क्या करेंगे हम, इसका निकालेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट 0 का 1 कर दो, 1 का 0 ये तो पता ही है, और ये क्यों करते हैं इसको समझना है कि 0 का 1, 1 का 0 क्यों करते हैं। तो फिर हमारे चैनल पर 1's जो है, 1's हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में हमने वीडियो बनाए हैं माइक्रो प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में। जहाँ पर भी आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत हो रही है माइक्रो प्रोसेसर समझने में, हमारे चैनल पर जाएंगे, उसके प्लेलिस्ट में देखेंगे नंबर सिस्टम फॉर माइक्रो प्रोसेसर। तो कोई बहुत हाई लेवल का माइक्रो प्रोसेसर नंबर सिस्टम चाहिए, जो डिजिटल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उससे बहुत हाई लेवल का चाहिए होता है। वो बच्चा क्या करता है, नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, और यहाँ पर जाते हैं किसी भी थ्योरी में कहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि नंबर सिस्टम क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, 0 का 1, 1 का 0 कर दिया, तो यहाँ मैं मिल गया 1's कॉम्प्लीमेंट। यदि 1's कॉम्प्लीमेंट आपका है और यदि आपको चाहिए 2's कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कर देते हैं, जो आया है उसमें 1 को ऐड कर दें। यदि इसमें ऐड कर दें कितना, 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 1 0 1 0 1 0 1। यदि इन 4 बिट का ग्रुप बना दें इनका तो कितना आएगा, ये 4 बिट का ग्रुप बनाया तो यहाँ तो आया 8, यहाँ आया 8, तो 10 11 11 का मतलब भी ABH आया आपका रिजल्ट, मतलब आपका जो रिजल्ट आना है यहाँ पर ABH आएगा, कितना ABH, ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लिखने के पहले हमें थीम पता होना चाहिए प्रोग्राम में कि हमें करना क्या है। तो हमें माइक्रोप्रोसेसर के 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है, कि ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो गिवन नंबर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट पता हो जाए, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, मीन्स माइक्रोप्रोसेसर में 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम जो है सबसे आसान है, इससे छोटा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता है। इसके पहले हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम हमने पढ़ाया था यहाँ पर, 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम, लेकिन अब क्या है, अब 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम है,
तो यहाँ क्वेश्चन उठता है वंस कॉम्प्लीमेंट के प्रोग्राम और 2's कॉम्प्लीमेंट के प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। सिर्फ एक बात का अंतर है, एक इंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। सिर्फ किस बात के लिए काम बढ़ गया है, सिर्फ 0 1 कहीं पर ऐड कर देना। वंस कॉम्प्लीमेंट का तो वही प्रोग्राम लिखना जो था, सिर्फ एक एक ऐड कर दें अगर उस नंबर जो वंस कॉम्प्लीमेंट आया था इसमें अगर एक और ऐड कर दें आप तो 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, और 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया तो उसी को स्टोर कर दो, वही 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम हो गया। क्लियर है? तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम देखा है तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन बढ़ानी है सिर्फ हमें, ADI 0, बस ADI 01H, बस और कुछ नहीं। तो पहले तो हम देखते हैं, सबसे पहली बात है यहाँ पर कि 2000 पर कोई नंबर लिया है हमने अपने से, उसने कहा था गिवन नंबर है लेकिन हमने अपना नंबर लिया है, उसने कहा था नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन स्टोर का, तो हमें मेमोरी में ही नंबर लेना पड़ रहा है। अब इस मेमोरी से नंबर उठा के ले जाएंगे हम कहाँ पर, अक्यूमुलेटर में, ये हमें काम करना है। तो मेमोरी से नंबर उठाना है तो हमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लगा लेनी चाहिए, कौन कौन सी, LXI। देखिए हम लगाएंगे इंस्ट्रक्शन LXI किसमें, H कॉमा कहाँ पर, जितना यहाँ लिखा हो 2000H दिया है यहाँ पर इतना, तो यहाँ पर इस लाइन के बाद हमें यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, यहाँ पर सही कहें तो जो ऑपरेशन हो रहा, ऑपरेशन जो हो रहा है हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, ऑपरेशन जो हो रहा है वहाँ पर। तो इस इंस्ट्रक्शन से होगा क्या ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो 2000HL रजिस्टर पेयर में लोड इमीडिएटली रजिस्टर पेयर, तो HL कोई रजिस्टर पेयर है, कौन सा रजिस्टर पेयर, ये AH है और AL है, मीन्स HL रजिस्टर पेयर में क्या आ जाएगा जो यहाँ पर नंबर लिखा है, मीन्स कितना आ जाएगा HL में, माइक्रोप्रोसेसर के HL में आ जाएगा यहाँ पर 20 यहाँ पर 00, मीन्स HLA है, HLA है यहाँ पर आ गया 20 यहाँ पर आ गया 00H। यदि यहाँ पर 2050 माने होते तो यहाँ पर 20 यहाँ पर 50 आ जाता, जो भी हमने माना ये तो अपने से माना, उसने तो कहा था तो इसलिए हमने अपनी मर्जी से माना, और डेटा भी अभी हाल हमने अपनी मर्जी से लिया क्योंकि उनने कोई डेटा नहीं दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद HL में इतना तो आ गया, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, HL में जो 55H अक्यूमुलेटर में उठा के ले जाना, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम यहाँ पर, मूव कर जा डेटा कहाँ पर, अक्यूमुलेटर में कहाँ से, मेमोरी से, मेमोरी में जो 8 बिट का नंबर है, कौन सी मेमोरी, जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में है, HL में 2000 है इस टाइम, तो 2000 कोई मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन जो 8 बिट का नंबर रखा है 55H वो कहाँ मूव कर जाए, अक्यूमुलेटर में चला जाए। तो इस इंस्ट्रक्शन से कौन सा ऑपरेशन होगा, यहाँ पर हम इतना ये यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, इसमें लिखेंगे हम A और यहाँ पर लिखेंगे F, EF में कितना आ जाएगा, मीन्स इसमें गया है अक्यूमुलेटर में, तो अक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा जो मेमोरी में रखा था 55H, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 55H। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अब क्या करें इसका, अब ये जो नंबर अक्यूमुलेटर में आ गया इसका यदि हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ले सकते हैं। अब उस बात के लिए इंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन होती है, एक इंस्ट्रक्शन होती है CMA, और यहाँ पर कुछ नहीं होता, ऑप कोड होता है, ऑपरेंड नहीं होता है, यहाँ पर सब ऑपरेंड लिख रहे हैं, ऑप कोड ए है, ये बताता करना क्या है, और ये कहता है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर, जो अक्यूमुलेटर में है नंबर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके और अक्यूमुलेटर में ही रिजल्ट स्टोर कर दो, इसका मतलब ये है। अब अक्यूमुलेटर में है कितना, ए फाइव बैच ELU में जाएगा, ELU में वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता, वही होता है 0 का 1 कर दो 1 का 0, तो 5 का हमने यहाँ किया था, 5 का हमने यहाँ किया था, तो 5 का कितना आएगा था, इतना आया था इस 5 का ये, इस 5 का ये, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया हमने यहाँ पर तो इतना हो गया, 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है तो एक का क्या कर दें, ऐड कर दें तो इतना मिल गया, तो ए बी एच आया था आंसर। तो यहाँ पर CMA ले लें कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर, तो यहाँ से रिजल्ट अक्यूमुलेटर में ही जाना है, तो अक्यूमुलेटर में कितना आ गया भाई, अक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा बताइए, अब यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट हुआ इसको समझना पड़ेगा तभी, तो कितना आया अक्यूमुलेटर में बताइए, अक्यूमुलेटर में आया ABH। इस इंस्ट्रक्शन ने जितना काम यहाँ हुआ इस इंस्ट्रक्शन ने इतना काम कर दिया और रिजल्ट अक्यूमुलेटर में दे दिया, तो अक्यूमुलेटर में कितना आ गया रिजल्ट, अक्यूमुलेटर में रिजल्ट आ गया ABH आ गया भाई अक्यूमुलेटर में रिजल्ट ABH, यही 2's कॉम्प्लीमेंट किसका, 55H का 2's कॉम्प्लीमेंट है,
सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट है। अब क्या होगा, इतना काम तो हो गया आक्यूनेटर में अभी आक्यूनेटर में कितना आ गया, आक्यूनेटर में आ गया AAH, इतना आया। इसको अगर मैं 8-8 बिट में ग्रुप कर दूँ तो AA होगा और ABA होगा, तो AAH है। और अगर आपके पास AAH है और उसमें एक और कर जोड़ दें तो क्या A में जोड़ेंगे, एक तो B आएगा, ABH, वही बात है। तो यहाँ पर अभी तो वंस कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है माइक्रोप्रोसेसर में। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा पहले, यही इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लीमेंट के लिए, दूसरी इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट के लिए है ही नहीं। तो पहले किया हमने तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस कॉम्प्लीमेंट ए वाला यहाँ से इतना आ गया। अभी ये कहानी नहीं हुई है यहाँ पर, अब AAH आया जो इसमें यदि एक और ऐड कर दें तो आपका कितना आ जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट ABH, जो हमने चाहे इससे समझो और चाहे 0101 वाले समझो, दोनों में ABH आ रहा है। अब 01 कैसे ऐड करेंगे, अभी तो इसमें तो वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ है ना, अब 01 कैसे ऐड करेंगे। अब एक्यूनेटर में AAH है, इसमें एक और ऐड करना है तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, एक और ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक्यूनेटर में जो नंबर उसमें एक जोड़ना है तो क्या कर दें हम, ADI एड इमीडिएटली, कितना 01H। एक्यूमेटर में एक्यूमेटर कितना काम होगा, एक्यूमेटर में कितना था AAH है एक्यूमेटर में, वही इसमें 01H और ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका, कितना यहाँ पर आ जाएगा B, A में एक जोड़ा तो B और A में जीरो जोड़ा, A में जीरो जोड़ा तो कितना A, तो ABH आया। रिजल्ट किस में रहेगा, रिजल्ट तो A में ही रहेगा एक्यूमेटर में। तो ये क्या मिल गया आपको, सही कहें तो ये मिल गया आपको 2's कॉम्प्लीमेंट, इससे ये वंस कॉम्प्लीमेंट था, ये क्या था आपका, ये वंस कॉम्प्लीमेंट था, ये 2's कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। और इसके बाद क्या करते हैं, अब जो एक्यूमेटर में रिजल्ट कितना आ गया, एक्यूमेटर देखिए कितना हो गया था, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो एक्यूमेटर में AAH आया था, अब ले लिया यहाँ पर एक और ऐड कर दिया तो एक्यूमेटर में आ गया ABH, ए कट गया ABH, यही आंसर है आपका, यही है 2's कॉम्प्लीमेंट गिवन नंबर का 5H का। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर अब इसको एक्यूमेटर में है ABH, इसको मेमोरी में स्टोर करना है, कहाँ करना है, उसने कहा था नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2001 पर, तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन अपन को कैसे मिलेगी, उसके लिए भी अपने पास इंस्ट्रक्शन है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, इसमें LXIHL में 2000 है, इसमें एक का इंक्रीमेंट कर दें, तो यहाँ कौन सी लगा दें हम, INXH, मीन्स HL जो रजिस्टर पेयर है में, उसमें क्या हो जाए, एक का इंक्रीमेंट हो जाए HL में, तो HL में कितना था पहले 2000 था, तो यहाँ पर 2000 का 2001 हो जाएगा, और रिजल्ट है एक्यूमेटर का। अब आ गया मेमोरी का ये एड्रेस आ गया HL के पास, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन लगा दें, यहाँ पर लगा दें मूव करा दें, जो एक्यूमेटर में डेटा रखा है मूव करा दें उसको, कहाँ पर मेमोरी में मूव करा दें, कहाँ से एक्यूमेटर से, जो एक्यूमेटर में डेटा रखा है, कितना रखा है एक्यूमेटर में डेटा ABH, और वही रिजल्ट है आपका, तो कहाँ चला जाए मेमोरी में, कौन सी मेमोरी जिसका एड्रेस HL में है, HL में 2001, तो यहाँ पर डेटा आ जाए, यहाँ पर कितना आ जाए डेटा, यहाँ पर कितना आ जाए डेटा ABH, यहाँ पर आ जाए डेटा ABH, तो यहाँ पर क्या आएगा मूव एम कॉम आए, तो यहाँ पर समझाना हमें इंस्ट्रक्शन ने क्या किया, तो जो मेमोरी यहाँ बनी हुई हम यहाँ बना रहे हैं डबल जगह समझा रहे हैं, एक तो ये ऑपरेशन क्या होगा ये हम यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पर कितना आएगा 2001H, यहाँ पर रिजल्ट कितना आएगा अपना, जो एक्यूमेटर में कितना है ABH, ये क्या है ABH, हेक्साडेसिमल में है, इसी को क्या बोलेंगे हम, यही है आपका 2's, यही है आपका 2's रिजल्ट, यही है रिजल्ट आपका, आ गया रिजल्ट। और इसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो ये एंड करना है अपने से नहीं होगा ख़त्म, हमें इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ेगी, कौन सी HLT, यहाँ पर डैश, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा एंड ऑफ प्रोग्राम, ख़त्म हो गया प्रोग्राम। तो जो वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम, यदि वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम लिखना हो तो क्या करें, सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन को हटा दीजिए आप, ये एरिया 01 ऐड किया इसको हटा दीजिए और पूरा बिल्कुल सेम रहेगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम होगा। और जो यहाँ पर ए बी आया है, जब यहाँ नहीं आया तो AAH स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ये उठ गई तो एक्यूमेटर में AAH होगा, यहाँ इंक्रीमेंट हो 2000 बनाएगा, जो एक्यूमेटर में AAH होगा तब AAH स्टोर कर लेगा।
मीन्स यदि ओन्स कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम पढ़ लिया है तो चाहे यहाँ से समझो ये हटा दो, अगर ओन्स कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम पढ़ा है तो आपका ए डी आई 01 जो है 2's कॉम्प्लीमेंट करना है तो ए डी आई 01 और लगा दो, सॉरी ठीक है। तो ये आपका 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम था, बहुत ही सिंपल था। वंस कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट का प्रोग्राम सबसे आसान है, ठीक है। ओके, थैंक यू।